करना जो है सेंटर बोलो भाई एक सामने दे दो इधर देखे तो लेफ्ट एक सामने दे दो मैम एक सेंटर थोड़ा मार दो एक एक सोलो चाहिए वेट सोलो सो मैं नहीं है नीचे जी आ सेंटर बोलो नहीं सेंटर ऊपर ऊपर जी ऊपर ऊपर माझ्या पूर्ण फ्रेम मध्ये
ये मैंने पहले इसके बारे में काफ़ी बार बात की है कि कैसे एक त्यौहार की वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली गणपति होता है तो पूरा शहर रुक जाता है, ट्रैफिक होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं, और सबसे जो बुरा मुझे लगता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि POP के गणपति बनते हैं या ऐसे गणपति बनते हैं जो पानी में विसर्जन के बाद कभी वो मेल्ट नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते। तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ ट्री गणेशा के ये वर्कशॉप में, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी दिन से ऐसे गणपति बनाए जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। इनको आप विसर्जित करेंगे तो ये आपके घर में ही रहेंगे, और इनको नॉर्मली वाटर करेंगे तो इस तरह प्लांट उगेंगे। आप देखिए ये भिंडी का पौधा है, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, और कुछ भी उगा सकते हैं आप घर में। तो ये एक अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि गणपति विसर्जन के बाद भी घर में आसपास ही है, और मैं जैसे बीच के बराबर में रहती हूँ तो विसर्जन के बाद अगले दिन मतलब गणपति का कभी हाथ, कभी पाँव, कभी सूंड, दांत, सब कुछ ऐसे बीच पे पड़ा होता है कचरे के साथ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, उन पे कितना पोल्यूशन आता है, इसमें टॉक्सिक पेंट यूज़ होता है, POP यूज़ होता है। सो भगवान, पानी को भी भगवान मानते हैं, वरुण भगवान, तो हम एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। और कोई सवाल? जो मुझे गलत लगता है वो ये कि त्यौहार के नाम पे लोग सड़क पे दारू वारू पी के भगवान के नाम पे बेकार गानों पे डांस करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रूल होना चाहिए कि जैसे भजन या कुछ लोगों को चलाने हो तो चले, पर मतलब आइटम सॉन्ग्स वगैरह की कोई जगह नहीं है विसर्जन के प्रोसेशंस में। नहीं, मैं अपने घर पे गणपति रखती हूँ, पर वो इतने से हैं क्योंकि मैं उनको ईज़िली रिसाइकल कर सकती हूँ, और मैं वैसे पौधों में ही डाल देती थी, पर मुझे जब पता चला कि यह एक्चुअली प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है तो फिर मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है। किसी को भी पता है कि बॉम्बे ने अपने समंदर को इतना पोल्यूट कर दिया है, केमिकल पोल्यूशन है, तो हम उस पोल्यूशन को क्यों, वाई शुड वी मेक इट वर्स। त्यौहार एक बहाना होता है लोगों को इंजॉय करने के लिए, पर उसको अच्छी स्पिरिट में देखा जाए तो, जैसे हमारे एक पुरानी का कहावत है कि माटी से आया माटी में मिल गया, उसी तरह से मुझे लगता है त्यौहार को मनाना चाहिए कि जैसे किसी को नुकसान ना हो, नेचर को भी नुकसान ना हो। इनसे पूछिए प्लीज। आपको ये कब सोचा कि इको फ्रेंडली गणपति बनानी चाहिए, और आपको कितना गलत लगता है जो हमारे नॉर्मली हर साल में लास्ट
गए 12 सालों से इको फ्रेंडली सेलिब्रेट आप, मेरा खुद का मैं गणपति बनाता हूँ और विसर्जन लास्ट में 4-5 सालों से विसर्जन जब भी लेट नाइट होते तो जब भी मैं विसर्जन करने जाता तो मेरे पैरों के नीचे या आता था तो मुझे वो बहुत बुरा लगने लगा, मुझे बहुत मुझे उस पर सोच पे मजबूर कर दिया कि इस पर कुछ करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ गणपति बनाए कि गणपति फेस्टिवल बहुत लाखों में गणपति आते हैं, तो मैंने सोचा उसमें से कुछ तो 10% तो रिटर्न बैक कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा फर्स्ट इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो उससे पूछ रहा था कि रेड सॉइल्स एंड फर्टिलाइजर से गणपति बनाए और सीड्स के साथ देंगे तो आप घर पे कुंडी के साथ रख के विसर्जन के देते हैं, अपने बालकनी या टेरिस पे लाके जाके आप विसर्जन कर सकते हैं। जैसे प्लांट को पानी देते हो 8वें दिन पे आप वो गणपति मेल्ट होकर उसमें से पौधा आते हैं, इससे आप वाटर पोल्यूशन भी सॉल्व हो जाता है और साउंड पोल्यूशन जो अपने घर पे आप विसर्जन करते हैं, और एयर पोल्यूशन जैसे होता है कि आप इसे एक प्लांट भी लगा रहे हो सो ट्री गणेश, तीनों चीज़ के लिए इफेक्टिवनेस और एक अच्छा सोल्यूशन। और ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इतनी महंगी हो गई सब्जियाँ अपने घर में उगा लो ये वाले लेके जाके। अच्छा पानी में जाता है, हाँ हाँ ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर उसके विसर्जन के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप स्टडी करते तो बिल्कुल कोस्ट के पास जितना पोल्यूशन है उसमें सारी मछलियाँ मरी हुई होती है, इसलिए फिशरमैन भी अंदर तक जाते हैं। तो उसका विसर्जन करने के लिए कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी बहुत दूर तक स्विमिंग करके बीच में छोड़ के आए तो फ़ायदा है, पर आइडिया अच्छा है। बस थैंक यू, कौन कौन करेगा ये पहले तो बताओ। इट्स अ गुड आइडिया यार, थैंक यू।